नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं राजेश राणा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टू टीवी। नेक्स्ट टू टीवी में आज हम लेकर आए हैं दुनिया भर की प्राइवेट सेना, यानी भाड़े के सैनिक। किस तरह से तमाम देश भाड़े के सैनिकों का प्रयोग किया कर रहे हैं और किया है, अब तक सदियों से चला आ रहा है। जितना पुराना हमारा इतिहास है, उतना ही पुराना ये भाड़े के सैनिकों का इतिहास है। ये इसलिए अभी सामने आ रहा है क्योंकि रूस का जो वैगनर ग्रुप है, जो प्राइवेट सेना है रूस की, यानी पुतिन की जो प्राइवेट सेना है, उसको लेकर चर्चा चल पड़ी है। लेकिन आज हम आपको वैगनर ग्रुप के साथ साथ भाड़े के सैनिकों का पूरा इतिहास बताएंगे। कैसे शुरू हुआ, किसने शुरू किया, कहां कहां शुरू हुआ, कौन कौन से राज्य, कौन कौन से देश भाड़े के सैनिकों का प्रयोग करते थे। तो चलिए दोस्तों, भाड़े की सेना और इसका व्यापार कितना बड़ा है। अमेरिका, रूस, तुर्की, ईरान के पास आपने सब सुना होगा भाड़े की सेना है। भाड़े की सेनाओं का कितना बड़ा व्यापार है, कई देशों की इकोनॉमी से भी बड़ा व्यापार करने वाली प्राइवेट आर्मी कैसे काम करती है, कैसे तमाम देश इन भाड़े के सैनिकों का गुप्त कामों को अंजाम देने के लिए प्रयोग करते हैं, कहां कहां नरसंहार किया भाड़े के सैनिकों ने, ये सब हम आगे आपको बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सभी एपिसोड की वीडियो आसानी से प्राप्त हो जाए। दोस्तों, आपने सिल्वेस्टर स्टेलोन की फिल्म एक्सपेंडेबल की सीरीज तो देखी होगी। अगर आप फिल्म देखने के शौकीन हैं तो जरूर देखी होगी, जहां सिल्वेस्टर स्टेलोन अपनी एक प्राइवेट आर्मी रखते हैं। फिल्म दुनिया भर में अरबों रुपए की कमाई करती है। क्यों? क्योंकि फिल्म में रोमांच, एडवेंचर, लड़ाई, धन दौलत और रंगीन मिजाज के लोगों के कारनामों से भरी पड़ी है। अमेरिका जैसे बड़े देशों का एक खुफिया एजेंट सिल्वेस्टर स्टेलोन की आर्मी से प्राइवेट काम करवाता है, जिसे अमेरिका और उसकी सेना अंजाम नहीं दे सकती कानूनी रूप से। कुछ ऐसी ही होती है प्राइवेट आर्मी। आज हम आपको उन तमाम देशों की आर्मी के बारे में बताएंगे जो मोटे पैसे लेकर गैर कानूनी कामों को अंजाम देते हैं, जिन्हें सरकार कानूनी रूप से अंजाम नहीं दे सकती। ताजा मामला है रूस में, जहां रूस की प्राइवेट आर्मी ने कुछ समय के लिए रूसी सरकार से बगावत का झंडा ऊंचा कर दिया। लेकिन अब सब ठीक हो चुका है, ऐसा मीडिया की खबरें हैं, लेकिन अंदर कुछ और ही चल रहा है। प्राइवेट आर्मी वैगनर के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन असफल विद्रोह के बाद बेलारूस पहुंच चुके हैं। बेलारूस के नेता अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने इस बात की पुष्टि कर दी है। वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सेना को संबोधित करते हुए कहा है कि वैगनर विद्रोह के विफल होने के बाद उन्होंने गृह युद्ध रोक दिया है। वैगनर ग्रुप के विद्रोह ने यूक्रेन से युद्ध में जुटे राष्ट्रपति पुतिन को जिस तरह से कठिन स्थिति में डाला, उससे प्राइवेट सेनाओं की भूमिकाओं पर सवाल उठाए जाने लगे। ऐसे में भाड़े के सैनिकों की अराजक दुनिया पर रोशनी डाली जाने लगी है। दुनिया भर में इसको लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि क्या भाड़े की सेनाएं रखी जाए या नहीं रखी जाए। भाड़े की सेना की दुनिया युद्ध भूमि की दुनिया है। जहां युद्ध हो वहां वो मौजूद होते हैं, वो दुनिया के बड़े देशों के लिए काम करते हैं, और यहां तक कि कुछ गैर सरकारी संगठन भी इनकी सेवा लेते हैं। प्राइवेट सेना की जानकारी लेने के लिए हमने कई एक्सपर्ट से बात की। इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो भाड़े के सैनिक थे और प्राइवेट सेना की ओर से लड़े थे। कुछ लोगों ने अपनी उस जिंदगी को किताबों के रूप में दुनिया के सामने लाया है। उन किताबों में कई ऐसी बातें बताई जो लोगों को झकझोर कर रख देती, लड़ाइयां और साजिशों के बारे में। शॉन मैकफैट वॉशिंगटन डीसी में नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, और सालों तक प्राइवेट आर्मी का हिस्सा रहने के बाद वो इस दुनिया पर दो किताबें और कुछ उपन्यास लिख चुके हैं। वो कहते हैं, प्राइवेट आर्मी या किराए की सेनाएं अपने आप में एक उद्योग है। और किताबें लिखने का उनका उद्देश्य था लोगों को मर्सनरीज यानी किराए के सैनिक या प्राइवेट फौजियों की जिंदगी के बारे में बताना, जो खतरों से भरा है। ये उद्योग बिना लगाम के आगे बढ़ता ही चला जा रहा है, जिसे दुनिया के बड़े देश गंभीरता से नहीं ले रहे। इसकी शुरुआत
1990 के दशक में हुई, क्योंकि सरकारें इस पर लगाम लगाने में बहुत सुस्त रहीं, बहुत ज्यादा उनका ध्यान इस ओर नहीं गया। उस वक्त मकसद पूरा करना था। अगर ये इसी तरह से आगे बढ़ता रहा तो अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों पर इसका असर होगा, लोग प्राइवेट आर्मी बनाने की सोचने लगेंगे। कल एलन मस्क अपनी निजी फौज बना सकते हैं, कोई भी प्राइवेट आर्मी रख सकता है। ये रुझान जारी रहा तो दुनिया बदल जाएगी, अराजकता फैल जाएगी। वहीं राष्ट्रपति पुतिन ने 2014 में वाग्नर का गठन किया था, क्योंकि उनका मकसद दुनिया भर में रूसी प्रभाव को फिर से स्थापित करना था। लेकिन वाग्नर ग्रुप के बगावत के कारण ऐसा लग रहा था कि पुतिन के शासन पर संकट आ गया है। वाग्नर ग्रुप के लड़ाकों की संख्या 20 से 35 हजार के बीच बताई जाती है। इसने दक्षिण और पूर्वी यूक्रेन में बड़े पैमाने पर कामयाबी हासिल की है यूक्रेन की फौज के विरुद्ध। क्रीमिया पर जब रूस ने 2014 में कब्जा किया था तब भी इस ग्रुप का एक बड़ा योगदान रहा। प्राइवेट सेनाओं की गतिविधियां विवादास्पद रही हैं, जैसे सितंबर 2007 में इराक की राजधानी बगदाद में एक नरसंहार हुआ। इसमें अमेरिका की प्राइवेट सुरक्षा कंपनी ब्लैक वाटर वर्ल्ड वाइड, जिसे अब अकेडमी के नाम से जाना जाता है, के सैनिक शामिल थे, जिन्हें इराक में सुरक्षा सेवाएं देने के लिए अमेरिकी सरकार ने ठेका दिया था। एक समय ब्लैक वाटर कर्मियों ने सामने से आने वाले एक वाहन से खतरा महसूस किया और भीड़ भाड़ वाले चौराहे पर गोलियों की बौछार कर दी। वाहनों और पैदल चलने वालों पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। गोलीबारी में 17 इराकी नागरिक मारे गए, उसमें महिलाएं, बच्चे, पुरुष से लेकर सभी लोग थे, जिनमें से कई निहत्ते थे और काफिले के लिए कोई स्पष्ट खतरा नहीं था। इस घटना के खिलाफ इराकी सरकार ने कड़ा विरोध प्रकट किया, साथ ही इसकी कड़ी अंतर्राष्ट्रीय आलोचना भी हुई। नरसंहार की अमेरिकी जांच ने निष्कर्ष निकाला कि ब्लैक वाटर ठेकेदारों का बल प्रयोग अत्यधिक और अनुचित था। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने बाद में इस घटना में शामिल कई ब्लैक वाटर कर्मियों पर हत्या का आरोप लगाया। इस घटना ने इराक में निजी सुरक्षा ठेकेदारों की विवादास्पद भूमिका को उजागर किया। इस घटना के बाद युद्ध भूमि पर सक्रिय निजी सैन्य कंपनियों की निगरानी के बारे में व्यापक बहस छिड़ गई थी। इन सैनिकों की कोई जवाबदेही नहीं है, इसलिए सरकारें इनका इस्तेमाल करती हैं। भाड़े के सैनिकों को काम पर रखने का ये खास सेलिंग पॉइंट है। अगर कोई सरकारी सैनिक किसी की हत्या करेगा तो उसका कोर्ट मार्शल होगा, लेकिन प्राइवेट आर्मी ग्रुप का कोई सैनिक वही काम करेगा तो वो अपने घर वापस लौट जाएगा। इसलिए हमने मोटा मोटा बताया कि भाड़े के सैनिक कैसे काम करते हैं। इसके बाद हम चलते हैं किन किन देशों के पास भाड़े की सेनाएं हैं और क्या नाम है उनके, और भाड़े की सैनिकों का क्या इतिहास रहा है। जब हम भाड़े के सैनिकों के इतिहास पर बात करते हैं तो पता चलता है कि भाड़े के सैनिकों की भूमिका इतनी ही पुरानी है जितना हमारा इतिहास। वो सदियों से व्यक्तिगत फायदे, राजनीतिक हितों, वैचारिक कारणों से लड़ाइयों में शामिल होते रहे। पूरे इतिहास में प्राइवेट सेनाओं को अलग अलग कारणों से इस्तेमाल किया गया है, जिसमें राज्य की रेगुलर आर्मी की मदद करना, वाणिज्य हितों की रक्षा करना और विशेष सैन्य अभियान चलाना शामिल है। प्राचीन मिस्र में फिरौन ने पड़ोसी क्षेत्रों से भाड़े के सैनिकों को नियुक्त किया और एक स्थायी सेना बनाए रखी। प्राचीन ग्रीस में एथेंस और स्पार्टा जैसे शहर राज्य अक्सर अपने सैन्य बलों को मजबूत करने के लिए भाड़े के सैनिकों को काम पर रखते थे, जिन्हें हॉपलाइट्स के नाम से जाना जाता था। प्राचीन रोमन साम्राज्य ने अपनी सेनाओं की पूर्ति के लिए जर्मनिक जनजातियों जैसे भाड़े के सैनिकों को काम पर रखा था। सम्राटों ने व्यक्तिगत अंगरक्षक इकाइयां भी गठित की थी। जब यूरोपीय इनोवेशन हो रहा था तब डच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी निजी कंपनियों ने अपने व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए निजी सेनाओं की स्थापना की थी। अब बात करते हैं पुनर्जागरण काल की। इटली में वेनिस और फ्लोरेंस जैसे शक्तिशाली शहर राज्यों ने अपनी ओर से युद्ध लड़ने के लिए किराए की सेनाओं को नियुक्त किया था। वहीं जब हम बात करते हैं साम्राज्यवाद के युग की, तो यूरोपीय साम्राज्य सबसे पहले आता है। उपनिवेशवाद के चरम के दौरान
यूरोपीय शक्तियों ने अपने उपनिवेशों का विस्तार करने और उन पर नियंत्रण रखने के लिए निजी सेनाओं और भाड़े के सैनिकों को नियुक्त किया। ब्रिटिश साउथ अफ्रीकन कंपनी और कांगो फ्री स्टेट की फोर्स पब्लिक जैसी कंपनियों के पास भी अपनी निजी सेनाएं थी। अमेरिकी क्रांति में भी भाड़े के सैनिकों का बहुत बड़े स्तर पर प्रयोग हुआ। अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध के दौरान अमेरिकी उपनिवेशवादियों और ब्रिटिश साम्राज्य दोनों ने भाड़े के सैनिकों का इस्तेमाल किया था। इराक और अफगानिस्तान युद्ध में खूब भाड़े के सैनिकों ने जान गंवाई और पैसा बनाया। इराक और अफगानिस्तान में युद्ध के दौरान अमेरिका और उसके सहयोगियों ने ब्लैक वाटर जैसी पीएमसी पर बहुत अधिक भरोसा किया। इन पीएमसी ने सुरक्षा, साजो सामान संबंधी सहायता और अन्य सेवाएं प्रदान की। पीएमसी दुनिया भर में संघर्षों और संघर्ष के बाद के माहौल में भूमिका निभाती रही है। हालांकि जवाबदेही, पारदर्शिता और संभावित मानवाधिकारों के हनन के मामले में स्थिति इनकी बद से बदतर रही है। भारत में प्राइवेट आर्मी का इतिहास देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ भी कई राज्यों में प्राइवेट आर्मी का इतिहास रहा। विजयनगर साम्राज्य में फौज का एक हिस्सा था जिसमें उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान जैसे मध्य एशियाई देश या फिर अफगानिस्तान और ईरान जैसे देशों से आने वाले लड़ाके शामिल होते थे। उन्होंने बाकायदा शुल्क दिया जाता था, वो कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते थे और विजयनगर साम्राज्य ने इनका अहमदनगर के सुल्तानों के विरुद्ध और गोलकुंडा और हैदराबाद के निजाम के खिलाफ बहुत बेहतरीन इस्तेमाल किया था। वहीं चोल साम्राज्य के विस्तार में भी मध्य एशिया के लोगों से बनी प्राइवेट आर्मी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य के दौरान भी प्राइवेट फौजियों का इस्तेमाल काफ़ी अहम था। कॉलोनियल साम्राज्य की बात करें तो जब ये नई जगहों और नए देशों पर कब्जा कर रहे थे तो उस दौरान भी प्राइवेट फौज का बेहतरीन इस्तेमाल किया जा रहा था। कब्जा किए गए देशों के बहुत सारे लोगों को बल के जोर पर प्राइवेट आर्मी की तरह इस्तेमाल किया जाता था और जंग के मैदान में बर्बरतापूर्ण उनका इस्तेमाल होता था। जैसे भारत के सैनिकों का ब्रिटिशर्स ने प्रयोग किया और उन्हें सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मरने के लिए झोंक दिया था। उनको अपने परिवार के लिए पैसे चाहिए थे, बेरोजगार थे क्योंकि सब कुछ तो लूट लिया था अंग्रेजों ने, मुगलों ने। उसके बाद उनको भाड़े के सैनिक बना के कहां कहां बलिदान नहीं दिया है भारत के सैनिकों ने। यूरोप से लेकर अफ्रीका से लेकर आप जहां चले जाओ वहां भारतीय सैनिकों का बलिदान आपको मिल जाएगा, उनके सबूत मिल जाएंगे कि यहां भारतीय लोकल की रक्षा के लिए लड़े। चाहे अरब चले जाओ, चाहे अफ्रीका चले जाओ, चाहे यूरोप चले जाओ, सभी जगह भारतीय बलिदानियों के अंश बिखरे पड़े हैं। जब बात हम कानून की करते हैं तो इसमें भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरह से 21वीं शताब्दी में अमेरिका, यूरोप और रूस ने प्राइवेट आर्मी का दूसरे देशों पर कब्जा करने, देशों की सरकारों को अस्थिर करने और अपनी नीतियों को लागू करने के लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हुआ, वियना कन्वेंशन का उल्लंघन हुआ। अमेरिका एक जीता जागता उदाहरण है। इराक में जिस तरह से प्राइवेट आर्मी का इसने इस्तेमाल किया वो सभी अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन था। नतीजा ये हुआ कि मानवाधिकारों का बुरी तरह से उल्लंघन हुआ। संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता होना चाहिए इसके लिए प्राइवेट आर्मी का इस्तेमाल रोका जा सके। तो अब समय आ गया है इस पर रोक लगाई जाए। लेकिन ये इतना आसान नहीं है कि प्राइवेट आर्मी पर रोक लग जाएगी, क्योंकि प्राइवेट आर्मी और भाड़े के सैनिकों को रोकने के लिए कानून बनाने या उन्हें रेगुलेट करने में दो तीन बाधाएं हैं। एक तो संयुक्त राष्ट्र की सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट सदस्य बड़े देश हैं जो प्राइवेट आर्मी का सबसे अधिक इस्तेमाल करते हैं, जिनमें अमेरिका सबसे आगे है, उसके बाद रूस, चाइना, बाकी के जो ब्रिटेन से लेकर फ्रांस तक। दूसरी बाधा है अगर आप एक अच्छा अंतर्राष्ट्रीय कानून भी बनाते हैं तो उदाहरण के लिए बेलारूस के अंदर भाड़े के फौजियों को कौन गिरफ्तार करेगा, लीबिया, यमन, इराक में कौन जाकर उन्हें गिरफ्तार करेगा। संयुक्त राष्ट्र ने ये नहीं कर सकता। कुछ ऐसे लोग हैं जो अंतर्राष्ट्रीय कानून की मांग कर रहे हैं लेकिन ये एक कल्पना है। अब हम आपको ऐसे सभी देशों के बारे में आगे वीडियो में एक एक करके बताएंगे, उन सभी देशों के बारे में जो अपने फायदे के लिए इन भाड़े के सैनिकों का कैसे प्रयोग करते हैं।
कौन कौन से देशों में कौन कौन से भाड़े के सैनिकों के ग्रुप्स ने कैसे खूनी खेल खेला है और ये सैनिक कैसे काम करते हैं, साथ ही ये सैनिक होते कौन हैं। अमेरिका का ग्रुप, रूस का ग्रुप, ईरान का ग्रुप, तुर्की का ग्रुप, चीन का ग्रुप, इन सभी ग्रुपों के बारे में अलग अलग हम बताएंगे आपको आगे के एपिसोड में, अपने आगे की वीडियोज में।